हेलो। राम राम जी, राम राम जी। जय समर्थ गुरु की जय, गुरु की, सभी सभी संतों की जय। संतों हाँ सर जी, की। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। मेरे एक दुविधा है, जी। उसका कारण मैं आपको कारण बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। सर, कर नैनों में दीदार, दीदार महल में प्यारा है। ये मैंने अभी संत रामपाल जी वैसे नितिन दास जी का सुना, काफी अच्छी तरीके से सुना। तो जैसे हमको, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब से ले रखा है, मैं जो मानता हूँ गुरु नानक जी को, तो इन्होंने सार नाम भी हमको दे रखा है। और इनका एक श्री मूल मंत्र साहिब, जहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, जब मेरे को मिला था वहां से, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो सर ये पंजाबी में है। एक ओंकार यानी कि एक ओंकार सत्य है, सतनाम यानी कि परमात्मा का, परमात्मा एक है, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख जो सबका भरण पोषण करता है, निर्भव उसे किसी का वैर नहीं, उसे किसी से मतलब भय ही नहीं है, क्योंकि वो काल के उसमें आता ही नहीं है। उसका शरीर हाड़ मास का जो अपना, तो पंच तत्वों में बटे पड़े, अपना तो पूरा शरीर ही काल है, मन है काल है, ये दुर्गा जी हैं जो उनकी पत्नी है, काल उनको आदेश देता है ये। ठीक है सर, अब शरीर की जब अपन चढ़ाई करते हैं या बैठते हैं, तब तो शुरू में तो अपन को क्या है, योग वगैरह करने होते हैं, शरीर की सफाई वगैरह, गणेश जी को मनाना, ये सब पहले भी जानता था और कुछ ये क्लियर हो गया मेरा। तो सर ये संत रामपाल जी ने एक बात कही थी, सर आप मेरे को इसका वो करो, कि ये कहते हैं कि सिखों को पता ही नहीं है गुरु नानक जी ने बोली थी वाहे गुरु, तो गुरु नानक जी ने परमात्मा की झांकी जो देखी, परमात्मा की जो झांकी देखी, परमात्मा को जो स्वरूप देखा, और उसको देखकर बोला कि वाह गुरु। तो वाह गुरु यानी कि परमात्मा की प्रशंसा है। तो ये कहते हैं संत रामपाल जी, कहते हैं कि इनको सिखों को पता ही नहीं है, वाहे गुरु करते रहते हैं। हाँ जी, देखिए हमारा सार नाम है ये, ठीक है सर। तो सर एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जिस समय गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, मैंने पूरा देखा है, मतलब पूरा मैंने उनके बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पढ़ा, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको पोथी साहिब कहते थे, आदि ग्रंथ साहिब बोलते थे, पूरे संतों की वाणियां इसके अंदर, संत रविदास जी की, पलटू दास जी की, धर्मदास जी की, पूरी वाणियां, हर संत की इसमें वाणियां दे रखी हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, पूरा आपको भेद मिल जाएगा, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सर गुरु नानक जी ने घूम घूम कर लोगों को तारा, 7 स्वप्नोखंडों की यात्रा की। तो सर ये बोलना क्या उचित है उनका, क्या रामपाल जी जो इन्होंने, महाराज क्योंकि हाँ ये संत रामपाल जी जो बोल रहे हैं, ठीक है मैं अच्छा मानता हूँ कि लोगों को ये इन्होंने इससे निकाला, इन्होंने बताया कि कबीर कौन है, कबीर साहब जो थे वो धरती पर आए, लेकिन उनका जन्म वैसे नहीं हुआ जैसे और लोगों का होता है, योनि के द्वारा के गर्भ में, गर्भ धारण के, उन्होंने गर्भ धारण नहीं किया था किसने? कभी, कबीर परमात्मा ने गर्भ से उत्पन्न हुए थे वो, क्योंकि वो पंच तत्वों में है ही नहीं। हाँ, और जितने भी देवी देवता है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, जितने भी देवी देवता है, 33 कोटि के जो देवी देवता है, गुरु ग्रंथ साहिब की हुजूरी में खड़े रहते हैं, उस परमात्मा के घर में किसी भी देवता को एंट्री नहीं है, क्योंकि इन्होंने नीचे जाकर सबने अपना अपना नाम जपाया है, उन्होंने वो एक ओंकार का नाम का हुक्का दिया ही नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज है, परमात्मा क्या है, हमारा जो मैन जानने का कारण, इसको उन्होंने कुछ नहीं किया था, जो आज तक भी कोई देव वहां नहीं पहुंचे, इसलिए वो भगवान है। ठीक है सर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं सही है। जितने भी कृष्ण जी हुए हैं, महादेव जी हुए हैं, ये सब भगवान है, भैसे भूमि कैसे गगन वैसे वायु, अन्य गिरी, क्या हो गए सर, ये तत्व हो गए भगवान, भगवान का भी पानी हवा ये सब, इनके भी शरीर हुए हैं। ठीक है सर जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं सही है। हाँ, तो इस बात के लिए मैं मानता हूँ सर कि इन्होंने जो ये चर्चा फैलाई है, लोग बागों को भ्रम, जो भ्रम था ये निकाला है, बहुत अच्छी बात है, काफी दुनिया अंधविश्वास में पड़ी हुई है, कर्म कांड कर रही है, क्रियाएं कर रही है, ये सब कर रही है, तो सर लोग बाग भरमाए हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि हम काल की भक्ति कर रहे हैं, ये काल ही हमारे सर, ये पूरा शरीर, ये मन है जो काल है, काल आदेश देता है, अविद्या भाई यहाँ बैठी हुई है कंठ में दुर्गा जी। लेकिन सर मैं आपसे एक बातचीत जानना चाहता हूँ सर, मैं इससे पहले, आज मैं 2 साल हो गए मेरे को शायद अपने गुरु जी की शरण में आए हुए। गुरु ग्रंथ हाँ वाले सुना में। इस, हाँ जी सर, इससे पहले मैंने क्या था, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, राम रहीम जी गुरु बनाए थे किशनगढ़ में, इनका वो हुआ था समारोह जो भी हुआ था इनका, किशनगढ़ में ज्ञान चर्चा हुई थी जब ये आए थे,
तो सर मैं वहां गया था, भाई गुरु बिना मुक्ति नहीं है, गुरु नहीं है। हम भी सबसे ही साधारण पूजा करते थे, जो लोग करते। मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ में कंठस्थ थे, ब्रह्मा जी पंचकवच जी हनुमान जी के, सर मैं बहुत वो करता था, हवन वगैरह किया करता था। मैं लोगों के घर भी जाता था, ये पता नहीं था ना। तो संत रामपाल जी की जी किताबें आई थी, ज्ञान चर्चा, जीने की राह, ये सर पढ़ के तो नॉलेज हुई। लेकिन देखो सर, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, तुम मेरे पास आओ, अपना उद्धार करो। सर देखो, ये तो मनुष्य का चयन करने को होता है, कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, उसको कहाँ जाना है, मनुष्य के अंदर ऊपर वाले ने परमात्मा ने विवेक दे रखा सही है कि मैं भी सारी देखो, पानी पियो छानकर, गुरु बनाओ जानकर, ठीक है सर। जो कोई भी असली होता है वो नहीं कहता कि मेरे पास आओ। देखो सर, जो कोई भी चीज होगी जिसके पास में होगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं करूंगा या मेरे पास आओ, या एक अहंकार की बू आती है उसमें कि सर्वश्रेष्ठ आप ही हो, आप मतलब कोई है ही नहीं। और ज्ञान की है सर, ज्ञान के सागर में आपने चाहे कितने ज्ञान लियो, बूंद बराबर है। हम सीख ही रहे, हम चल ही रहे, हमें पता ही नहीं है, बहुत हम तुच्छ है। परमात्मा से मतलब कहने का मतलब ये, वही हमें देता है, वही विवेक देता है। सर मैं जब ये देवी साधना वगैरह करता था तो मैं इतना रोने लग जाता था देवी के आगे, मैंने उनके दर्शन भी किए चतुर्भुज रूप में, सिंह सवार के ऊपर। और सर मैंने उनको रोते हुए देखा, तो मैंने एक ही सवाल किया, फिर मैंने कि जो देवी सारे विश्व की है, जो मैं जितना मेरी बुद्धि थी, तो जो देवी पूरे संसार को चला रही है, मैंने कि उस देवी की आंखों में आंसू, मैंने कि रोना तो हमें चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हमारे लिए पाबंदियां, हमारे लिए लिमिटेशन, फिर भी आप रो रही हो। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैं सारी पूजा पाठ करके हार थक के, कि मेरी धरती पे कोई सत्पुरुष है ऐसा है, मैं परमात्मा से दुआ करता था डेली सुबह उठने का, यही था, हे परमात्मा धरती पे कोई सत्य इंसान है, इस नहीं टाइम तो अपने आप को। आप जब भक्ति करते थे तो देवी माँ ने आपको दर्शन दिए? अच्छा। हाँ जी सर, मैं दर्शन कर चुका हूँ। हाँ तो सर मेरे को एक आवाज आई, जैसे मैंने भैरू जी, शनि महाराज, मतलब जैसे भाई शनि का वो है फलाना है। अब शनि मेरे से लाखों करोड़ दूर है, तो सर जब मेरे कर्म सही है, मैं मेरे माँ बाप की सेवा करता हूँ, टाइम टाइम पे अपनी जिम्मेदारियां समझता हूँ, अपने घर का खर्चा चलाना, अपने परिवार की देख रेख करना, जिम्मेदारी निभाना, पास मित्र वगैरह की सहायता करना। देखो सर, यही होता है कि जीवन पाठशाला है जो मैं यहाँ पे हूँ, मैं कार्य कर रहा था। सर जिनके शरीर में देवी आती है, मैं वहां भी जाता था पूछने के लिए, तो वो बोलती थी कि देवी तुझसे खुश है। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता था, अगर मुझसे देवी माँ खुश है तो मैं दुखी क्यों। तो सर जब मेरी काफी हद हो गई, 10-12 साल मेरी इसमें निकल गए, तो सर मुझे अचानक एक दिन आवाज आई कि भैया हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, जो कुछ करना है तुझे करना है। सर ये आवाज आने के बाद में मैंने सारा सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो फिर तुम हटो पर है, हाँ मेरी बात को सर, समझे ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो सब हो गया, कोई बात नहीं सर। मैं जब मेरे गुरु जी के यहाँ पहुंचा, कुछ तो संत रामपाल जी की किताबों से मैंने ज्ञान लिया, देखो सर गलत नहीं हूँ, ज्ञान जहाँ से मिले बिल्कुल लेना चाहिए इंसान। पता लग गया कि भाई ये सारे काल के, हम काल निरंजन की पूजा कर रहे हैं, मन शरीर के बारे में पता लगा, ठीक है सर। उससे आगे बढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब के पास गया, वहां मेरा पूरा भेद ही खुल गया। गुरु नानक जी के चरणों में गया, भाई ये सुख दुख क्या होता है। फिर मैं महात्मा बुद्ध वगैरह के मतलब ये चैनल पे, मतलब मेरा पूरा दिन सर, ये जो मेरा नेट है पूरा सत्संग में खर्च होता है, मतलब मेरा इससे बाहर जाने का मन ही नहीं करता, बस देखा किसका सत्संग क्या है। खूब दिमाग लगा के, खूब सोच के, अपनी बुद्धि से, अल्प बुद्धि मेरी, देखो सर जितना मैं बढ़ सकता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ यार ये ज्ञान सही है, ये ज्ञान सही है, इसने क्या बात कहाँ कही है, इस हर बात के दो मतलब निकलते हैं, ये कौन सी बात कहाँ कह रहा है। तो सारा सब कुछ सोच के सर मेरे को एक सपना आया। सपने में मैंने, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ सर, क्योंकि देखो सर आप तो बहुत मतलब गुरु जी के निकट रहते हो, नहीं आप नहीं बहुत सारे अच्छी बात है, आप मेरे को शेयर कर रहे हो, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, मैं भी ये बातें हैं ना आगे शेयर करूंगा। हाँ। तो सर मेरा अनुभव क्या रहा, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ कि सर मैंने खुद को मरते हुए देखा है, मैंने मेरी लाश खुद ने जलते हुए देखी है अपनी आंखों से, लेकिन मेरे दुख का कोई भाव मेरे चेहरे पे नहीं था, ना मेरे परिवार के अंदर था। मैंने वो स्वप्न ऐसा देखा कि मैं बैठा हूँ और मेरे घर वाले जला रहे हैं, और घर में मेरे फंक्शन है, मेरे माता पिता सबके चेहरे पे हंसी है, और मैं खुश था। मैं ये बात को खुश था कि यार लोग बाग वो हल्ला करते हैं, लेकिन चलो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मेरे घर वाले दुखी हैं, वो खुश है, मुझे यही चाहिए था। लेकिन सर मैंने अपने आप को जलते हुए देखा। दूसरी बात, अगले दिन मैंने स्वप्न देखा, मैंने अपने आप को बाबा जी के रूप में देखा, मेरे काफी बड़े बड़े बाल थे, चेहरे पर अलग ही तेज था, मैंने बाबा जी के रूप में अपने आप को देखा। या फिर जिन लोगों की जैसे मैं भक्ति करता था, आस्था थी मुझमें, जैसे मान लो आपकी प्रीत है, रात को कोई याद करके सो गया, तो सर मैंने, वो कहते हैं कि तू सपने में आया था, ऐसे तेरे बाबा जी के वस्त्र हमने देखे, तुझे बाबा जी के रूप में देखे, तब मतलब सर मैं तो क्या है, भ्रमित हुआ पड़ा हूँ कि ये सब क्या है सर,
ये तो सर देखो आप ही खोल के बता सकते हो, बाकी तो अब मैं कोई संशय नहीं है, मेरे को कोई सपना नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता ना, मुझे कुछ दिखता है, लेकिन जब मैं गुरु जी की साधना में बैठा था, जब मैं नाम वगैरह जपता था, तो सर मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ में इतना हुआ है, मैं इतना डरता था रात को, मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ, नाइट ड्यूटी गार्ड की करता हूँ मैं, सर मेरे गेट बजने लग जाते थे, सर मैं मेरे गुरु का सिमरन करता था, मतलब मेरे को इतना भय, इतना अंदर भय, पता नहीं काल डरा रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है कि भक्ति छोड़ने की कह रहा है, देखो सर पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता था। लेकिन अब भाई 10 गुरुओं का जो 5 वाणी हम पढ़ते हैं, हमारे 10 गुरुओं का तप है ये, गुरु ग्रंथ साहिब में 10 गुरुओं का तप है, तो सर वाणी वाणी जैसे करता गया, जैसे करता गया, जाप में करता गया, सर मेरा पूरा डर सारा संशय सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सर मेरे को आज तक वो बात समझ में नहीं आई कि जो मैंने अपने आप को देखा वो क्या था सर, उसका आप शंका का निवारण करें, वो क्या था जो मैं देख के, यार ये मतलब क्या है। हालांकि मुझे पता है मरना है, शरीर का मेरे का नाश हो रहा है, मेरे को पता है ये शरीर आत्मा अविनाशी है, नहीं तो ये वो भी तो हो सकता है ना कि आपने पिछले जन्म में भक्ति करी हो और भक्ति का ही आपको प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा हो, अच्छा क्योंकि भक्ति तो आपने की है, हाँ सर तभी तो आपको आगे का जो भक्ति मार्ग है वो तुरंत समझ में आ रहा है। हाँ सर बिना साहब कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं हंसा, तो ये भक्ति का जो बीज है नहीं पलटता नहीं। और आगे वाणी में लिखा है कि संत असंत हो रहे नहीं, ऊंच नीच हो रहे रहे संत का संत। तो ऊंच नीच योनि में जाता रहे लेकिन संत का मतलब परिवार में जाता रहे लेकिन रहेगा वो संत का संत। अच्छा संत का संत ही रहेगा। हाँ अब कुछ सिख बोलते हैं जैसे वाणी पर, तो तू पिछले जन्म में सिख था, तो सर हम कैसे पता कर सकते हैं कि सर हम पिछले जन्म में क्या थे, सर कैसे पता लगाया जाए। ये भी बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, उसमें उसकी साधना अलग होती है जैसे गुरु जी ने अच्छा बताया। अच्छा 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 तो मैं सर आपसे यही जानना चाहता हूँ, देखो सर अपने ये जो अपना जो अपने ये काल के उसमें खड़े हुए, जिसको बोलते हैं अपनी मृत्यु बिल्कुल लोक इस के, बार बारे में गुरु जी से बात करेंगे, क्योंकि हाँ मैं भी इतना ज्ञानी हूँ नहीं, ठीक नहीं नहीं है ना। सर गुरु देखो बस जो आप भी है मेरे, गुरु हाँ की दया है, गुरु की